एवरीवन, स्वागत है आपका आप नहीं चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ पैराग्राफ ऐसे है ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में, यहाँ पर लिखते जाऊंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। The bond between grandparents and grandchildren cannot be described. ठीक है, हमने इसको समझना है अच्छे से तभी हम इसका सेंस निकाल पाएंगे। In words, the bond होता है रिश्ता, between बीच में, grandparents दादा दादी, और grandchildren होता है पोते पोतियों के बीच में। ठीक है ना, पोते पोती। कैन नॉट बी डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब क्या होता है, उल्लेख करना, बयां करना, है ना, बयां। कैन नॉट बी, कैन नॉट के साथ बी लगा है और थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये कैन का पैसिव है। ठीक है ना, अगर कैन का सिंपल सेंटेंस होता तो कैन डिस्क्राइब फर्स्ट फॉर्म होती इसके साथ, कैन डिस्क्राइब। अब कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, बयां नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता का सेंस आएगा है। आ रहा है समझ में, जो भी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हमें अगर नॉट है तो नहीं किया जा सकता का सेंस आएगा इन वर्ड्स, शब्दों में। आ रहा है समझ में, कोई भी किताब आप बहुत इजीली रीड कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर समझ में आने लग गए तो। ग्रैंड पेरेंट्स, अब इसको मैं एक बार, दादा दादी और पोते पोतियों के बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अब यहां देखिए, डू नॉट ओनली इनकलकेट। अब डू नॉट कहां आता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट के नेगेटिव में आता है ना। इनकलकेट मीन्स होता है ना सिर्फ विकसित, इसके साथ क्या सेंस आएगा, करते हैं। ठीक है ना, डू नॉट नहीं करते हैं, ना सिर्फ विकसित करते हैं अच्छी आदतों को, और नैतिक मूल्यों को, मॉरल वैल्यूज। इन मीन्स में, द किड्स बच्चों में, बट लेकिन, ऑल्सो बिकम, बिकम कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना। ऑल्सो मीन्स लेकिन, बनते भी हैं, बिकम देयर, बनते हैं उनके अच्छे दोस्त, बेस्ट बडीज, अच्छे दोस्त, व्हेन, जब, इट कम्स। ठीक है, इट कम्स मीन्स इसकी जो, इट कम्स टू हैविंग अनलिमिटेड फन, जब बात आती है हैविंग करने की असीमित मौज मस्ती। अभी इसको समझते हैं, कितना बड़ा सेंटेंस है। ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट ओनली इंकलकेट, ना वो सिर्फ विकसित करते हैं अच्छी आदतों और नैतिक मूल्यों को बच्चों में, लेकिन वो बच्चों के अच्छे दोस्त भी बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस देना है इसमें, ताहे तेहे का सेंस आएगा, बनते हैं, जब किसकी बात आती है, अनलिमिटेड असीमित मौज मस्ती करने की भी। ठीक है ना, वाइल द पेरेंट्स, जबकि जो माता पिता है, अब यहां देखिए पेरेंट्स प्लूरल है, ज्यादा है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। ट्राई, पेरेंट्स ट्राई मीन्स माता पिता कोशिश करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कोशिश करते हैं। आ रहा है समझ में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि अच्छे से देख पाओ। ठीक है ना, टू प्रोवाइड मीन्स प्रदान करने की, देने की, ऑल द, ऑल दैट, वो सब, दे मतलब दे कैन टू देयर किड्स, वो दे कैन टू
दे कर सकते हैं अपने बच्चों को फॉर के लिए देयर उनके ऑल राउंड मीन्स पूरा विकास. इसको दोबारा समझते हैं. वाइल द पेरेंट्स ट्राई टू प्रोवाइड ऑल दैट दे कैन डू, माता पिता जो है वो मीन्स सब कुछ देने की, वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो वो दे सकते हैं. दे कैन टू देयर किड्स फॉर देयर ऑल राउंड डिवेलपमेंट, किसके लिए, उनके पूरे विकास के लिए, ऑल राउंड. देयर ग्रोथ इज इनकम्प्लीट, उनकी उनका जो विकास है, देयर ग्रोथ इज है अधूरा, इनकम्प्लीट, विदाउट, किसके बिना, उनके देयर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के बिना उनका जो ग्रोथ है वो फिर भी क्या है, अधूरा है, इज अन इनकम्प्लीट. माता पिता चाहे बच्चों को सब कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो विकास है वो अधूरा होता है अगर दादा दादी नहीं है तो. अब यहां देखिए, इसको देखना ध्यान से. इट इज सीन दैट ग्रैंड चिल्ड्रन पोजेस मेनी ऑफ द ट्रेट्स ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स. यह है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है प्रेजेंट सिंपल का. सीन होता है देखना, है ना, देखा गया है, देखा गया है. पैसिव में हमेशा कौन सा सेंस आता है, गया है या फिर जाता है का सेंस आता है. ये दोनों आप लगाकर देखिएगा तो आपका बिल्कुल सेंस सही बैठेगा. इट इज सीन, ये देखा गया है कि ग्रैंड चिल्ड्रन जो पोते पोती होते हैं, पोजेस होते हैं मेनी, बहुत सारे गुण, ट्रेट्स, ठीक है, मेनी ऑफ द ट्रेट्स ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं. इट इज सीन, ये देखा गया है कि ग्रैंड चिल्ड्रन पोजेस, उनके उनके अंदर होते हैं, पोजेस मीन्स वो रखते हैं बहुत सारे गुण अपने दादा दादी के. यू माइट हैव, अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपने, यू माइट हैव नोटिस्ड, ठीक है ना. अब इसमें क्या है, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, ध्यान दिया होगा, ध्यान दिया होगा. अब माइट लगा है तो मीन्स दिया भी हो सकता है किसी ने, नहीं भी दिया हो सकता, तो इसमें शायद का सेंस आता है. जो पॉसिबिलिटी होती है वो 30% होती है. वो क्या कहना चाहता है कि यू माइट हैव नोटिस्ड, कि आपने शायद ध्यान दिया होगा, ठीक है, देम उनके बिहेवियर मीन्स बर्ताव में एग्जैक्टली बिल्कुल द सेम, वैसे ही वे एट टाइम, सेम वे मीन्स बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से, एट टाइम्स कभी कभी, ठीक है. अब यहां से समझते हैं. यू माइट हैव नोटिस देम, आपने उनके उन पर ध्यान दिया होगा, ठीक है, देम बिहेविंग, बर्ताव करते हुए, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बर्ताव करते हुए वैसे ही तरीके से, सेम कभी कभी मीन्स जैसे दादा दादी करते हैं. इंटरेस्टिंगली मीन्स दिलचस्प, इट इज नॉट दिलचस्प, मतलब दिलचस्पी से अगर देखा जाए तो इट इज नॉट जस्ट द केस विद दोज, यह है, यह नहीं है सिर्फ द केस मामले में, विद दोज उनके साथ, जो हु क्या है, कंजंक्शन काम कर रहा है, स्टे टुगेदर जो साथ रहते हैं, लेकिन ऑल्सो मीन्स भी, विद दोज उनके साथ भी, जो हार्डली मीन्स मुश्किल से कभी कभी गेट अ चांस मिलता है, मौका, टू मीट मिलने का इन्फिनिटिव है एक दूसरे से. अब इसको दोबारा समझेंगे, ठीक है ना. इट इज नॉट जस्ट द केस, कि ये जो केस है ये ना सिर्फ उन लोगों के साथ है जो साथ रहते हैं, बट ऑल्सो विद दोज, बल्कि उनके साथ भी है जो हार्डली, मतलब उनको मौका मिलता है कभी कभी एक दूसरे से मिलने का. क्यों, अब यहां देखिए, दिस इज बिकॉज
यह है क्योंकि, ये किसके कारण है कि जो बच्चे हैं किड्स इनहेरिट विरासत में, ठीक है, सम ऑफ देयर मीन्स कुछ उनके दादा दादी के जो गुण हैं वो किससे आते हैं, जन्म से. ये इस कारण है कि किड्स इनहेरिट सम, विरासत में रखते हैं, सम ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स ट्रेट्स बाय बर्थ, जन्म से ही अपने दादा दादी के जो गुण हैं वो विरासत से ही उनके अंदर होते हैं. अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ग्रोइंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ, अब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है, चलन है, ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, किसका, एकल परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं सिर्फ, दादा दादी नहीं होते, न्यूक्लियर जो परिवार होते हैं, हैज लिमिटेड, सीमित हो गया है. हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, कौन सा सेंस बैठेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, लिमिटेड करना मीन सीमित हो गया है. द कॉन्टैक्ट, संपर्क, बिटवीन के बीच में, अब इसको पहले समझ लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब यहां से था, अनफॉर्चुनेटली, बस बदकिस्मती से जो ट्रेंड है, जो चलन है बढ़ता हुआ, किस चीज का, एकल परिवार का, न्यूक्लियर फैमिलीज का, हैज लिमिटेड, सीमित हो गया है संपर्क, किसका, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का, पोते पोते और दादी का संपर्क जो है वो दादा दादी का कम हो गया है उनके बीच में. आगे देखते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती और दादा दादी के बीच का जो संपर्क है वो क्या हो गया है, लिमिटेड हो गया है. द लाइफ लेसन्स, जीवन के जो सबक होते हैं, लाइफ लेसन जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अब यहां से देखिएगा, द लाइफ लेसन दैट ग्रैंड पेरेंट्स टीच, ये क्या है, वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर प्लूरल है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंस है, सिखाते हैं, ठीक है, दादा दादी जो भी जीवन का जो सबक सिखाते हैं, कैन नॉट बी लर्न्ड, अब यहां से देखिए लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है, लर्न मीन्स सीखना, नहीं सीखे जा सकते, सीखे जा सकते किसके द्वारा, बाय रीडिंग, पढ़कर, कोई भी, जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स, जितनी भी संख्या में हम किताब पढ़ लें, और अटेंडिंग एनी मीन्स शामिल होना, कोई भी क्लास, कोई भी का क्लास या कक्षा में शामिल होकर या फिर कोई भी किताब पढ़कर हम उनके जो सिखाए गए जो लाइफ लेसन है दादा दादी के द्वारा वो कहीं भी नहीं सिखाए जाते, ठीक है, द लाइफ लेसन दैट ग्रैंड पेरेंट टीच, जो सिखाते हैं, कैन नॉट बी लर्न, वो नहीं सीखे जा सकते, बाय रीडिंग एनी नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी संख्या में किताब पढ़ के, और अटेंडिंग एनी क्लास, कोई भी क्लास को अटेंड करके इनको नहीं सीखा जा सकता, ये सिर्फ कहां से आते हैं, दादा दादी की तरफ से ही आते हैं. पेरेंट्स मस्ट टेक, माता पिता को मस्ट टेक आउट, बाहर लेकर जाना चाहिए, मस्ट टेक आउट टाइम, टाइम निकालना चाहिए, मस्ट मीन्स जरूर, ठीक है, टेक आउट टाइम, समय निकालना चाहिए, और टेक देयर, ले जाना चाहिए, देयर उनके बच्चों को, टू देयर उनके दादा दादी के जगह पर, उनकी प्लेस पर, एवरी वंस इन अ वाइल मीन्स वंस इन अ वाइल, कभी कभी टाइम के रहते उनको वहां पर लेके जाना चाहिए, है ना, एवरी प्रत्येक एक बार, इन अ वाइल समय में, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, रिश्ता, अब यहां से समझते हैं, ये देखिए, पेरेंट्स मस्ट टेक आउट टाइम, माता पिता को जरूर समय निकालना चाहिए, एंड टेक देयर चिल्ड्रन, और लेकर जाना चाहिए, टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस,
अपने दादा दादी के घर पर लेके जाना चाहिए जहां वो रहते हैं, जिस स्थान पर वो रहते हैं। एवरी वंस इन अ वाइल मीन्स कभी कभी समय निकाल कर, ठीक है ना, वहां पर लेके जाना चाहिए। टू मेंटेन किस लिए, बनाए रखने के लिए, द बॉन्ड उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। इफ मीटिंग डज नॉट सीम, यदि मिलना डज नॉट सीम, ठीक है, पॉसिबल, सीम मीन्स लगना, लगता है, नहीं लगता है, पॉसिबल संभव, एज ऑफन अक्सर, देन इट इज सुजेस्टेड टू, फिर इट इज सुजेस्टेड, इसके साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, तो ये सुझाव दिया जाता है, टू हेल्प देम, सहायता करने का, उनकी, स्टे इन टच, रहें टच में, मीन्स मिलते रहें, उनके टच में रहें, विद ईच अदर, एक दूसरे से, वाया किसके द्वारा, फोन के द्वारा, और ठीक है ना, फोन के द्वारा और किसके द्वारा, अदर मीन्स दूसरे साधनों के द्वारा। यहां से एक बार दोबारा मैं समझा देती हूं, ठीक है ना, यहां से था, ये हो गया था। इफ मीटिंग डज नॉट सीम पॉसिबल, अगर यदि मिलना संभव नहीं लगता है, ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है, डज नॉट सीम पॉसिबल, इट इफ मीटिंग, मीटिंग लगा है इसलिए डज नॉट है, ठीक है ना, पॉसिबल संभव नहीं है, एज ऑफन अक्सर, तो फिर ये सुझाव दिया जाता है कि उनकी ये सहायता करने का, उनकी कि उनके टच में रहें, विद ईच अदर, एक दूसरे से, वाया मीन्स किसके द्वारा, फोन के द्वारा या फिर दूसरे साधनों के द्वारा, ठीक है ना। आई होप ये पैराग्राफ आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर करें, जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।